Are you out of your mind? ये चंद कपड़े और जूते लेकर तुम जाओगी और जो जायदाद में से करोड़ों का हिस्सा मिलने वाला है उससे अपने आप को महरूम कर लोगी तुम। तो क्या करूं मैं? अब असद एक पल इस घर में रुकने के लिए तैयार नहीं है। बजाय उसके कि तुम उसको समझाओ, तुम भी उसकी बातों में आ गई। अम्मा वैसे आप भी बहुत अजीब हैं। पहले सारा वक्त ये कहती रहती थी इस घर से निकलो, इस घर से निकलो, और अब जब जाने की बात हो रही है तो आप कुछ और कह रही हैं। भाई खाली हाथ कब कहा है मैंने निकलो? ऐसे निकल जाओगी खाली हाथ? कोई खाली हाथ नहीं जाता, जो जिसका हक होता है वो उसको मिल जाता है। अली से तुम्हें कोई प्लेट मिलाकर नहीं देगा तुम्हारा हाथ। दिस इज फॉर यू। आप क्या कह रही हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो इस वक्त तुम घर छोड़ने का तो सोचो भी नहीं, इस तरह तो तुम नरगिस का काम और आसान कर दोगी। उसके रास्ते से हट जाओ। तो फिर मैं क्या करूं? आपने देखा नहीं वो मुझ पर किस तरह के इल्जाम लगा रही हैं। देखा तभी तो कह रही हूँ किस तरह से तुम्हें कह के चली गई। जाना है तो जाओ और रुकना है तो रुक जाओ। As if you're not needed in this house. My God. I know. मुझे भी बहुत हैरत हुई उनकी टोन कितनी रूड थी। ऐसे थोड़ी कोई बात करता है किसी से। उसकी दिल की बात ज़बान पर आ गई और तुमने दिल पे अपने ले ली और वो सामान पैक करना शुरू कर दिया। तो अब फिर मैं क्या करूं? अब असद किसी की कोई बात सुनने वाला नहीं है। देखो बेटा, गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है और कभी कभार तो अपने फायदे को नुकसान में बदल देता है। तुमने इस वक्त अपने पैर इस घर में जमा कर रखना है। एंड जस्ट मेक श्योर तुम असद के दिल में और जगह बना। गेट क्लोज टू हिम, अपनी हमदर्दियां समेटो। तो फिर मैं ये सब कैसे करूँ आप बताएं। मैं हूं ना, मैं बता दूं। देखो न मेरा बन सका है तू न मैं तेरा।